इसके बिना आप ट्रैवल नहीं करते। स्पीकर पे कनेक्ट करके तो गाने चलते रहते हैं, तो सुनना भी, और यूट्यूब का काफी हेल्प रहता है। मैं वही बोलता हूँ कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा। वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी नीरज बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ है अभी आप? थैंक टर्की यू। है, फिनलैंड पहुंच गए हैं। अभी मैं 2 दिन पहले फिनलैंड आया हूँ टर्की से। तो ये जो फिनलैंड में जो आपकी तैयारी कर रहे हैं डायमंड लीग के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये क्या आइडिया था टू यू नो गो टू फिनलैंड, और किस तरह की ट्रेनिंग वहां पर रहेगी अगले 1 महीने में? ये यहाँ पे डायमंड लीग से पहले फिनलैंड में हमारे 2 कॉम्पिटिशन्स हैं, तो अच्छा ये वही मन में रहता है कि हम बहुत ज्यादा ट्रैवल ना करें जब हम खेलते हैं, और अगर आसपास ही हैं, जैसे यूरोप में हमारे मैक्सिमम कॉम्पिटिशन होते हैं, तो यूरोप में ही हम ट्रेनिंग करें और बहुत लंबा ट्रैवल ना करना पड़े, एक से दूसरी जगह पे जल्दी पहुंच जाए, तो वो काफी आसान रहता है। तो यही था प्लान कि भाई पूरा जब हमारा कॉम्पिटिशन टाइम आएगा तो हम ऐसी जगह पे हो कि पहुंचना आसान हो वहां पे। तो ओलंपिक के बाद एक तरह का थोड़ा सा ऑफ सीजन था, आप वापस से टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो तैयारी कैसी है इस बार? क्या कुछ अलग करा है इन कॉम्पिटिशन्स को लेकर? जी तैयारी अच्छी है, और जितना भी टाइम मिल पाया उसमें हमने कोशिश की कि भाई हम अच्छे से उसको यूज करें और अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी फिटनेस पे अच्छा काम करें, तो सब ठीक चल रहा है। और 14 तारीख से जो है हमारा मतलब सीजन शुरू होने वाला है, तो नीरज, लाइफ देखिए। कितनी बदल गई है पिछले इस 10 महीने? आई श्योर आपसे बहुत लोगों ने सवाल पूछा, और अगर स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा, स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स एक फर्क पड़ता है कि ज्यादा रिकग्निशन मिलता है, बेटर फैसिलिटीज अब होंगी ऑफकोर्स, आपके पास भी फ्रीडम मिल जाता है खुद को एक्सप्रेस करने का। और अगर पर्सनल लेवल, यू नो, जो पहले एक फीलिंग थी, और एक जो होता है ना ओलंपिक चैंपियन वाली जो एक फीलिंग होती है ना, पर्सनल लेवल कितना कुछ बदल गया है आपके लिए? पर्सनल में तो जी मतलब कैसे बताएं, लोग ज्यादा जानने लगे हैं, अच्छा लगता है कि कोई लोग अच्छे से मिलते हैं, और वही मैंने कई बार बोला भी है, और वो अच्छा लगता है कि उनके मुंह से एक बात निकलती है कि हमें बहुत खुशी है कि आपने देश का नाम रोशन किया, तो वो मुझे लगता है कि वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि अगर हम दूसरे एक एथलीट के उसमें मैं आपको बताऊं, तो बाहर आके यहाँ पे कोई इतना किसी को कोई इतना जानता नहीं, ऐसे ही बताऊं तो मैं आराम से इधर उधर जा सकता हूँ, और वैसे भी जब ट्रेनिंग करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एथलीट नहीं होते हैं, तो हम अपनी ट्रेनिंग वगैरह उसी तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे हमेशा ये मन में रहता है कि अभी मैं ओलंपिक चैंपियन बन गया हूँ या ये है वो है, तो ऐसे अभी भी मैं पहले जैसे पहले ट्रेनिंग करता था तो वही माइंड में रहता है कि हाँ आज मेरी ये ट्रेनिंग है और मुझे ये इतना, आज जो भी मेरा टारगेट होता है कि ये सब कुछ करना है, जो ट्रेनिंग को जो प्लान कोच बनाता है तो उसी के ऊपर फोकस रहता है और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं डेली, और माइंड में बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। एम्पावर्ड फील करते हैं। और तो मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि जब हम किसी चीज को ना चेज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा एक अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, वो हमें वो चीज पानी है, बट हमने एक बार पा ली तो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, खुद को पता चलता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो उस तरह से खुद को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते वो हैं। तो बिल्कुल, वो तो मैं और इंडियन एथलीट्स को बोलता हूँ कि जैसे मैं पहले करता था तो हाँ एक ओलंपिक तक पहुंचना या वहां पे मेडल जीतना मुझे भी लगता था कि यार पता नहीं कैसे होगा, इतने अच्छे अच्छे बेस्ट एथलीट आते हैं वर्ल्ड के, लेकिन अभी हो चुका है, अभी कर चुके हैं, तो मुझे भी मैं वही बोलता हूँ कि हाँ हम भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी कर दिया है। अभी मैं बोलता भी हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं और ऑलरेडी कर दिया है, अभी और भी बच्चे कर सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं वहां पे जाके, तो हमारा देश भी मतलब ऐसे ही मेडल जीत सकता है। और कभी मतलब मन में अभी ये बात नहीं है कि वहां पे इतने एथलीट होते हैं, और वो वही मैं बताता हूँ कि दिन के ऊपर डिपेंड है कि आप बस अच्छे तैयारी करो और वहां पे अपना 100% दो, और वो उसी दिन के ऊपर डिपेंड है कि कैसा क्या रिजल्ट रहेगा, लेकिन हम आकर अपना बेस्ट देंगे, हम अच्छे से मेहनत करेंगे, सब अच्छा करेंगे, तो हम भी उस लेवल पे मेडल जीत सकते हैं और जीत सकते हैं। बच्चे और आने लगे हैं, आप अपने बात करें कि जैवलिन को लेके स्पेसिफिकली क्या एथलीट्स में आपने और इंटरेस्ट देखा है इस 10 महीने में, और क्यूरियोसिटी देखी है? बिल्कुल जी, और मतलब कुछ न्यूज भी पढ़ी है कि जैसे नॉर्मली वैसे स्पोर्ट्स की शॉप होती थी तो लोगों को इतना जेविन का पता नहीं था, लोग जेविन के बारे में ऐसे बात ही नहीं करते थे कि हमको जेविन चाहिए, और अभी कुछ न्यूज पढ़ के पता लगा कि
जो दुकान थी उनपे अगर मांग रहे जाते कि जेवलिन चाहिए तो स्टॉक नहीं था, मतलब इतने जेवलिन लोगों ने लिए अभी, तो वो एक मतलब वही है, जेवलिन अगर ले रहे हो तो उसके साथ ट्रेनिंग ही करेंगे वो, तो बहुत बड़ा चेंज आया है जेवलिन को भी लेके और ओलंपिक स्पोर्ट को भी लेके, बहुत लोगों ने ओलंपिक देखा था तो अलग अलग स्पोर्ट में भी जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को डालने लगे और खुद बच्चों का भी इंटरेस्ट हो गया अभी, तो चेंज तो आया है। कहीं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था जहां आपने बात करी थी उसेन बोल्ट और माइकल फेल्प्स के बारे में, मुझे लगा था बहुत इंस्पायर्ड है इस आइडिया से कि एक मेडल तो आ जाता है बहुत लोगों का आता है, बट उन लोगों को याद रखा जाता है जो एक से ज्यादा मेडल्स बार बार लेकर आते हैं, तो नीरज चोपड़ा के लिए कितना जरूरी है कि जो टोक्यो में सक्सेस मिला है उसे अगले ओलंपिक में उसके बाद भी कंटिन्यू किया जाए। देखो जी, जरूरी तो कैसे बताऊं, मतलब ये है कि हाँ मैं वो दोबारा से वो टाइटल पाने के लिए अपनी पूरे 100% अपने जी से मन से मेहनत करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, लेकिन हाँ रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो उसी टाइम पता लगेगा क्या होना है ना, क्योंकि उसमें अगर आप किसी भी एथलीट को उठा लो, ये एग्जांपल इसलिए था कि इन्होंने एक से ज्यादा बार बहुत मेडल जीते हैं, और एक ओलंपिक में, दो ओलंपिक में, तीन तीन ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि ये भी कई बार हारे हैं, तो वो मेरा कहने का मतलब ये कि हम काम कर सकते हैं अपने उस पे गेम पे या अपने परफॉर्मेंस पे कि कैसे हमको करना है, लेकिन रिजल्ट उसी टाइम पता लगता है कि क्या होता है, वो रिजल्ट जो भी हो हमको वो उसको एक्सेप्ट करके फिर से अपना नेक्स्ट जो हमारा कॉम्पिटिशन है उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, और यही हमारा काम होता है एथलीट का, तो ऐसा कुछ है नहीं प्रेशर कि मुझे दोबारा फिर पेरिस में भी यही दोबारा दोहराना है, पर कोशिश ये रहेगी इससे ही बेस्ट करूँ, वो उसी टाइम पता लगे क्या होगा। तो कोई मार्क सेट करा हुआ दिमाग में, बिकॉज मैं पढ़ता रहता हूँ, लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कोई कहता है 90 मीटर वाला वो मार्क पकड़ना है, या आपके दिमाग में चलती है चीजें कि यार 90 मीटर हिट करना है, 95 मीटर करना है, या यू आर एबल टू यू नो थोड़ा सा सबसे दूर रह के? नहीं मतलब हाँ 90 मीटर के क्लोज हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ 90 मीटर तक मैं जाऊँ, 90 मीटर क्रॉस करूँ, 90 मीटर होगा फिर मैं आगे जो डिस्टेंस पाना है उसके बारे में सोचूंगा, तो अभी तो मैं मतलब मेन ये कि हाँ उसी के लिए मेहनत करें कि अपना और बेस्ट करें, तो अभी देखते हैं किस कंपटीशन में होगा या कैसे होगा, बाकी अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि अपना अच्छे से ट्रेनिंग करते रहें। नीरज चोपड़ा 2.0 के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे, बिकॉज ऑन फील्ड और नीरज चोपड़ा अलग थे, ओलंपिक के बाद हमने दूसरी साइड भी देखी, आपका एक एड बड़ा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, काफी सारे और आप यूट्यूब पर आ गए, तो इसके पीछे क्या आइडिया था, ये जो एक जो कंटेंट क्रिएटर नीरज चोपड़ा हमने देखा? हाँ इसके पीछे ही है जी, क्योंकि मैं जब मैंने शुरू किया था स्पोर्ट्स और जेवलिन तो मुझे पता नहीं था जेवलिन के बारे में या इसके वीडियोस वगैरह नहीं मिलते थे, तो यूट्यूब वगैरह पे ही होते थे, मतलब यूट्यूब पे ही पूरे वीडियोज या क्या ट्रेनिंग होते थे जेवलिन थ्रोअर्स की या बेस्ट जेवलिन थ्रोअर्स के वीडियोज यूट्यूब पे होते थे, तो मतलब मेरे दोस्त कई वीडियो मुझे डाउनलोड करके दे देते थे या मैं उनको देखता रहता था, तो मुझे पता लगा कि हाँ यहाँ पे ये सब कुछ होता है, मिल जाता है और हेल्प रहती है काफी, तो यूट्यूब पे सिर्फ हम ऐसे जेवलिन के वीडियो या स्पोर्ट्स के नहीं, वैसे भी अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो गाने वगैरह सुनना भी हो यूट्यूब का काफी हेल्प रहता है, लेकिन मेन यही था कि जो मैं उनके वीडियो देख पाया और मुझे अच्छा लगा वो देख के, और मैं देखता रहता था कैसे वो ट्रेनिंग करते हैं या क्या 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 एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं भी जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं अपने ट्रेनिंग वीडियो या ऐसा कुछ शेयर करता हूँ ताकि बच्चे देखें कि भाई क्या क्या ट्रेनिंग है या क्या कैसे जेवलिन की प्रैक्टिस होती है, तो वो सब उनको पता लगे, और अभी अभी आपने देखा कि जेवलिन चैलेंज चल रहा है जो कि हाँ जी काफी लोग कर रहे हैं उसको, और वो भी एक अच्छा है कि मेरे स्पोर्ट्स को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, जेवलिन के बारे में और लोगों को पता लग रहा है, और ये सिर्फ जेवलिन से रिलेटेड नहीं है कि इस जेवलिन का मतलब है कि आप कोई भी काम करते हैं उसकी तरफ आप अच्छे जोश के साथ दौड़ रहे हैं और उस काम को करने के लिए जा रहे हैं, तो वो इसका मेन मकसद है जी। यूट्यूब तो आप मतलब इसका मतलब यूज करते आ रहे हो, बट टेक्नोलॉजी नीरज चोपड़ा की लाइफ में कितनी जरूरी है, किस हद तक मतलब नियो पेनिट्रेशन किस हद तक यूज करते हैं आप टेक्नोलॉजी को? जो मतलब मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे कोच है जो मेरे साथ हैं वो बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट हैं, मतलब टेक्नोलॉजी काफी वो होता है उसमें भी बहुत ज्यादा लगती है, कि जेवलिन भी काफी टेक्निकल स्पोर्ट है और पूरा उनके बारे में कि किस एंगल में थ्रो करना है या क्या कितने मीटर का हमारा लास्ट स्टेप होना चाहिए और कैसा
क्या बॉडी क्या पोजीशन होनी चाहिए या जेवलिन कहाँ पे छोड़नी है, कैसे छोड़नी है, कितने एंगल पे थ्रो करना है, वो पूरा जो कोच है वो मतलब बिल्कुल साइंस टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में आ ही गई है, इसलिए धीरे धीरे स्पोर्ट्स और अच्छे मतलब एथलीट और अच्छे अचीवमेंट्स पा रहे हैं, तो बिल्कुल ये धीरे धीरे करके हाँ मतलब हेल्पफुल तो है। और मतलब मैं खुद की बॉडी के साथ अगर मैं बताऊँ तो मुझे काफी पता होता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज ठीक रहेगी या ये एक्सरसाइज मेरे लिए ठीक है, इससे मुझे फायदा मिल सकता है या जो भी है, या इतने परसेंट पे मैं कोई चीज करूँ तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा नेक्स्ट कंपटीशन के लिए, तो उसके लिए तो मैं बता सकता हूँ। बाकी बहुत ज्यादा आपके लिए आसान कर देता हूँ, कोई ऐसा गैजेट है जिसके बिना आप ट्रैवल नहीं करते, कुछ भी हो सकता है, हेडफोन हो सकता है, फोन हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, मोबाइल है जी, मोबाइल में काम है। अच्छा हेडफोन होते हैं, हेडफोन होते हैं तो मतलब ये चीज तो होती है ये, हाँ गाने वगैरह सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए वीडियो बनाने के बाद में हमेशा मिल जाएंगे हमें हेडफोन और मोबाइल तो हमेशा मिल जाएंगे, ट्रेनिंग टाइम पे शायद ना मिले पर हाँ वैसे करेंगे। और कोई ऐसी ऐप जो आप सब यूज करते हो? फोन में तो पता नहीं, अगर लैपटॉप में खोलता हूँ तो मेरा ज्यादातर मतलब यूट्यूब ही चलता है क्योंकि मैं जेवलिन के वीडियो बहुत ज्यादा देखता हूँ अभी, और गाने चला के छोड़ देता हूँ रूम पे स्पीकर पे कनेक्ट करके तो गाने चलते रहते हैं। तो हाँ जी सर, नीरज बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है उसी तरह चलती रहे, आपने मतलब लास्ट ईयर बहुत ही एक बड़ा कारनामा कर दिखाया था, ऑल ऑफ अस आर रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू डिड, और उम्मीद करते हैं कि जो आने वाले कॉम्पिटिशन है ओलंपिक है उन्हें आप इसी तरह हमारे लिए मेडल्स लेके आते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी।